हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी फलूदा। उसके लिए जो हम सिमैया बनाते हैं, डालते हैं फलूदे में, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये हमने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लोर। हम इसमें डालेंगे, इसी से नाप के हमने इसका तिगुना पानी लेना है। अभी हम एक कप ये डाल रहे हैं, उसको फूलने के बाद थोड़ा सा, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएंगे। उसके बाद हम बाकी पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, जिससे कि थोड़ा सा हमारा फलूदा मीठा सा हो जाए, फीकी फीकी हो, अच्छी नहीं लगेंगे, इसलिए हल्का सा मीठा भी इसमें डाल देते हैं। अच्छे से मिला के फिर हम इसमें पानी डालेंगे। बाकी पानी अब मैं इसमें ऐड करती हूँ। हम लेते हैं एक बर्तन और इसमें हम इसको डालते हैं। गैस हम बाद में ऑन करेंगे, पहले हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम गैस ऑन करके इसको हम लगातार चलाते जाएंगे, जिससे कि इसमें गांठे ना पड़े। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लगेगा, फिर हम इसमें इसके हम सिमैया बनाएंगे, जो फलूदे में डाल के, एक रबड़ी फलूदा में डाल के बहुत ही अच्छी लगती है। आपने मार्केट में भी खाई होंगे। अब एक तरफ देखिए हमारी रबड़ी बन रही है, बनने रखी हुई है, ये भी बन के तैयार हो गई है। तब तक हम इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। ये देखिए अब गाढ़ा होने लगा है। गैस हमने सिम पर ही रखनी है, जिससे कि बहुत जल्दी ये गाढ़ा ना हो जाए, हल्का सा पक जाना चाहिए। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर ये तैयार हो गया। ये देखिए इस तरह से हमारा हो जाना चाहिए। अब मैं इसको बनाने के लिए एक बाउल में हम ये आइस क्यूब लेते हैं। और एक हम इस तरह की
मशीन लेंगे। इसमें हमने ये जाली वाला, ये मोटी जाली का ये इसका ये लगा रखा है तवा। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे जिससे कि चिपके ना। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से ऑयल लगा लेना है। अब मैं इसको इसमें जो हमने ये पेस्ट बनाया है इसको हम इसमें भर लेते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ठंडा। और इसको हम इस तरह से बंद करके देखिए हमारी अब रबड़ी तैयार होगी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ। फलूदे के लिए इस तरह की रबड़ी चाहिए होती है। अब मैं इसको फ्रिज में थोड़ी आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ठंडी हो जाएगी ना तो ये अच्छी लगेगी, तभी इसका टेस्ट आता है फलूदे का। ये देखिए हमारा फलूदा भी तैयार है, लच्छे हमारे जिसे लच्छे बोलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए। ये देखिए रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है, आधा घंटा हमने फ्रिज में रखा। अब हम आपको इसमें फलूदा बना के दिखाते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा रुआबजा और आइसक्रीम डालूंगी, थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। अब हम डालते हैं इसमें फलूदा। ये देखें देखिए हम खुशबू के लिए थोड़ा सा हम इसमें दो बूंद केवड़े के डालते हैं। ये देखिए ये फलूदा में हम डालते हैं चिया सीड्स बोलते हैं इसको। हम इसमें भी मिला सकते हैं, इसमें हम मिला के और स्टोर करके रख सकते हैं, एक हफ्ते हमारा आराम से चल जाएगा। अब हम थोड़ी सी इसमें गिलास में डाल देते हैं। ये देखिए अब हम डालते हैं इसमें रू अफजा। इससे हमारे फलूदे को और भी फ्लेवर अच्छा मिल जाएगा। और अब हम डालते हैं इसमें आइसक्रीम। ये हमारी आइसक्रीम घर की बनी हुई है। आप हमारे पहले वीडियो में देख सकते हैं, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दिया है।
आप आराम से देख सकते हैं, बहुत ही स्वाद आइसक्रीम बनती है हमारी। रबड़ी का भी लिंक हमने डाला हुआ है और आइसक्रीम का भी। ये देखिए हमारा रबड़ी फलूदा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।